हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो गौर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो कि मेरे कॉलेज का लास्ट डे था और मुझे प्रोजेक्ट भी जमा करना था, तो इसलिए अभी मैं कॉलेज में आया हूँ। और मैं मतलब लास्ट दिन था, तो मैं सोचा कि चलिए एक ब्लॉग बना देते हैं जिससे कि आप सब लोग कॉलेज भी देख लेंगे, और मतलब जो एक वो होती है ना, मतलब यादें, वो भी मतलब मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। तो इसीलिए मतलब ब्लॉग बनाने के लिए आ गया और प्रोजेक्ट भी जमा करना था। तो चलिए अब आगे आपको अपना कॉलेज दिखाते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स से मिलवाते हैं कि सब लोग कहाँ है। जो वहाँ पे आप गेट के पास देख सकते हैं, सब लोग खड़े हैं, वही सब हैं। और आपको कॉलेज का सब हर जगह अपना क्लासरूम सब कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये रहा मेरा कॉलेज का जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है क्लासरूम्स में और सब जगह पर। और ये इधर का आप देख सकते हैं थोड़ा सा व्यू, और यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, ये मेन मेरा कॉलेज है। और इधर का जो है, ये जो आपको यहाँ पे जनरेटर वाला घर दिख रहा है, उसके थोड़ा सा आगे मेन गेट है जहाँ से कॉलेज में एंट्री होती है, और ये थोड़ा सा ग्राउंड टाइप में है। और चलिए अब आपको अपने दोस्तों से सभी से मिलाते हैं। तो ये सब है मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं। तो हाय कर दो सब लोग। तो ये जो है मेरा पार्टनर है अभिषेक, ये अखंड, ये अभिषेक चतुर्वेदी, और ये अमित, और ये आदेश। तो और चलिए अभी मैं आपको पूरा कॉलेज अपना दिखाऊंगा, और भी बाकी सारे दोस्त हैं जो कॉलेज के अंदर हैं, तो सबसे चलिए मिलवाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ से मेन कॉलेज में एंट्री होता है, और इधर जो है कि ये जो सामने वाला है प्रिंसिपल का ऑफिस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर जो है कि हम लोग का क्लासरूम है। तो चलिए अभी आपको आगे क्लासरूम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो तीनों लड़के आगे जा रहे हैं वो सिर्फ वीडियो में आने के लिए पीछे से आगे निकले हैं। थोड़ा सा शकल दिखाओ, तीनों अपना शकल दिखाओ। और ये जो देख सकते हैं, ये पानी का टैंक अपने कॉलेज का, ये हो गया पंप हाउस। और ये जो है, ये हॉस्टल है। मैं यहाँ पे सामने जो घर दिख रहा है, ये हम लोग का मतलब जितने लोग यहाँ पे साथ में आपको दिख रहे हैं सबका बहुत ही ज़्यादा याद आ जाएगा, क्योंकि ये जो हॉस्टल है, और हॉस्टल में हम लोग पूरे एक साल सब साथ में रहे हैं। और ये जो है कि कॉलेज है, यहाँ से हॉस्टल का आगे से गेट है। चलिए अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये रहा हम लोग का हॉस्टल, इसमें हम लोग एक साल पूरा रहे हैं। तो चलिए अभी हॉस्टल के अंदर चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कैसा है अंदर से। तो अभी आप देख सकते हैं ये हॉस्टल का जो कि ये ग्राउंड है, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, इसकी वजह से इतना जो है कि बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं। और ये रूम है जो आप इस लड़के को देख रहे हैं, ये रूम नंबर है कि इसका है। और चलिए अभी मैं अपना रूम भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब रूम है, टोटल यहाँ पे 20 रूम है। और ये जो आगे आपको दिख रहा है, ये है मेस हम लोग का, यहाँ पे हम लोग खाना खाते थे। और इधर का रूम, चलिए अब चलते हैं ऊपर और अपना रूम दिखाते हैं। तो गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मतलब बंद है सब हॉस्टल, तो इसके वजह से अभी यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी सेम रूम है, और इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका रूम दिख रहा है, ये जो ये वाला लड़का दिख रहा है, इसका रूम है ये, और अपना रूम चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये जो आपको रूम दिख रहा है, रूम नंबर 14, ये है कि अपना रूम है ये जो दिख रहा है आपको। कृपया जूता चप्पल बाहर निकालें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सब मतलब नीचे जैसा है, ऊपर सेम टू सेम फ्लोर है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से ग्राउंड, और इधर का चलिए आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। और ये देख सकते हैं, ये एक मेस का जो छत होता है ये है, और ये रहा यहाँ की जो पानी टंकी मेस की होती थी। हम लोग बाथरूम से ज़्यादा यहाँ पे नहाते थे, और जब फर्स्ट बार आए थे तो यहाँ पे इतनी सारी घास थी, और उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे। हम लोगों ने पूरा मिल के फर्स्ट डे सब कुछ साफ़ किया था। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, ये जो है कि प्रिंसिपल सर का आवास है, यहाँ पर प्रिंसिपल सर रहते हैं। और इधर से आप कॉलेज के और सभी साइड का व्यू देख सकते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूरा हरियाली आपको हर तरफ से दिखेगी। अब चलिए एकदम ऊपर छत पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हॉस्टल का पूरा ऊपर वाला छत। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो व्यू दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहा कॉलेज।
और ये जो देख सकते हैं छत से जो पूरे कॉलेज का व्यू आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो बस इतना ही रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और फ़ोन ऑफ हो गया तो मजबूरी थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब देखते हैं कभी अगर मौका मिलेगा कॉलेज जाने का तो मैं फुल वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके और ब्लॉग एक अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी बात नहीं। तो इतना आपको ब्लॉग कैसा लगा और कॉलेज कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का मैं सभी कमेंट्स चेक करूँगा तो वीडियो में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं। 9,000 सब्सक्राइबर के आसपास हो गए हैं तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और 10,000 सब्सक्राइबर के बाद एक कुछ स्पेशल वीडियो लाते हैं और कोशिश करूंगा कि मैं फर्स्ट लाइव जो कि आज तक मैं अपने चैनल पर कभी लाइव नहीं आया हूं तो जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं फर्स्ट बार अपने चैनल पर लाइव आऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।